हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लूम सोलर कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको यह सोलर चार्ज कंट्रोलर पसंद आता है और आप इसे यदि परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से जाकर आप डायरेक्ट इसे परचेज कर सकेंगे। तो दोस्तों, देखिए, आप हमें ये लूम सोलर का जो चार्ज कंट्रोलर है वह हमें मिल चुका है। इसकी जो ऊपर की पैकिंग थी वह हमने इसे चेक करने के लिए निकाल दी है, और चेक करने के बाद अब हम आपको इसे फिर से बताते हैं कि यह पैकिंग किस तरह से की हुई थी और किस तरह का ये प्रोडक्ट जो है नज़र आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऊपर लूम सोलर की ये ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसका वेट कितना है ना। यहाँ पर जैसे आप देखें 300 ग्राम इसका वेट है, इस तरह से उसकी डायमेंशन वगैरह, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, जिनके बारे में आपसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करके पहले देख लेते हैं कि इसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है, किस तरह से ये डिवाइस नज़र आती है। इसमें आपको लूम सोलर का ही ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़र मैनुअल मिल जाता है, यूज़र मैनुअल साथ ही साथ ये वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकेंगे। तो दोस्तों, देखिए, इसे हमने ओपन कर लिया है और अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसे काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक मेटलिक फिनिश दी हुई है, काफ़ी शाइन करता है ये। साथ ही साथ इसे आप लोग देख सकते हैं, एक मेटल बॉडी में इसे बनाया गया है, काफ़ी ये मजबूत है। ऊपर की बॉडी इसकी काफ़ी अच्छी मजबूत है। अब यहाँ पे हम देखें कि आपको कौन कौन से अगर इंडिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहाँ पर एक चार्जिंग LED दिया जाता है, साथ ही साथ लो बैटरी इंडिकेशन के लिए एक यहाँ पर LED दिया जाता है। इसके अलावा रिवर्स कनेक्शन यदि आप कर देते हैं तो उसके लिए भी आपको एक LED इंडिकेशन के लिए दिया होता है। इसके अलावा ये कनेक्टर्स यहाँ पर हैं, जिससे कि आप आसानी से सोलर बैटरी और लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पोलैरिटी भी मार्क्स जो हैं वो बने होते हैं। इसके अलावा आप यदि 5 वोल्ट की कोई DC डिवाइस रखते हैं या आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो उसे चार्जिंग के लिए या DC डिवाइस को प्ले करने के लिए यहाँ पर ये 5 वोल्ट का USB सॉकेट भी दिया होता है। अब आइए इसके हम लोग यदि बैक साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक नाइट सेंसर मिल जाता है, जिससे कि आप डस्क एंड डान फीचर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जिसे इनेबल या डिसेबल करने से, आप यदि इसे इनेबल करते हैं तो यदि मान लीजिए कोई आप ऐसी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो रात में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और दिन में बंद हो जाए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट यदि आप यूज़ करेंगे तो जैसे ही नाइट होगी वैसे ही स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और डे के समय वह ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी। आपको बार बार मैन्युअली उसे ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कनेक्टर दिया होता है, इस कनेक्टर के साथ द्वारा किस तरह से इसे इनेबल डिसेबल करना है यह हम आपको बाद में बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए अब इसके टेक्निकल डाटा शीट के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज कंट्रोलर टाइप है वह माइक्रो कंट्रोलर यूनिट बेस्ड PWM चार्ज कंट्रोलर है, जिसमें कि CC-CV टाइप का बल्क चार्जिंग मेथड का यूज़ इसे चार्ज करने के लिए किया जाता है बैटरी वगैरह को। इसके अलावा इसमें आप 18 से लेकर के 60 वोल्ट तक का जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है उस तक के वोल्टेज वाले सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग रेटिंग की बात की जाए तो यह बैटरी को 12.8 वोल्ट पे 10 एम्पियर करेंट से चार्ज करता है। इसके हम इंडिकेशन की बात करें तो इसमें ये चार्जिंग वाली जो LED होती है ये येलो कलर की होती है। तो यदि यह येलो कलर वाली LED ऑन रहती है तो इसका मतलब है कि जो सोलर है वह अवेलेबल है और इस चार्ज कंट्रोलर द्वारा बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब ये LED ब्लिंक करती है, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है, तो इसका मतलब होता है कि जो बैटरी है वह पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। अब यदि यहाँ पर हम लो बैटरी वाले इस इंडिकेटर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वह रेड होता है, और यदि वह स्टेडी ग्लो कर रही है तो इसका मतलब होता है बैटरी लो है। लेकिन यदि वह ब्लिंक करने लग जाती है तो इस ब्लिंकिंग का मतलब होता है, जब रेड LED ब्लिंक करता है ये वाला, तो इसका मतलब होता है कि इसमें कोई फॉल्ट है। अब लेकिन यदि मान लीजिए ये रिवर्स
कनेक्शन वाला जो एलईडी दिया हुआ है, यदि यह ब्लिंक यह ऑन हो जाता है तब इसका मतलब होता है कि आपने जो सोलर के कनेक्शन हैं वो जो है उल्टे कर दिए, रिवर्स कर दिए, यानी कि प्लस और माइनस को यदि आपने चेंज कर दिया तब इस कंडीशन में ये रिवर्स कनेक्शन वाला एलईडी जो है वह ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो अभी इसे हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद यदि आप फिर से अब यहाँ पे हम एक बार आ जाते हैं इस डाटा शीट पर देखते हैं, तो इसमें कई प्रकार के प्रोटेक्शन भी हमें ऑलरेडी बिल्ट इन होती है इस चार्ज कंट्रोलर में। जैसे कि जो मैंने बताया आपको, सोलर बैटरी रिवर्स प्रोटेक्शन इसमें ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा इसमें रिवर्स करेंट, यदि मान लीजिए बैटरी से, या जैसे मान लीजिए जो नाइट में आता है रिवर्स करेंट, तो उस रिवर्स करंट से भी यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें ब्लॉकिंग डायोड होते हैं जो कि रिवर्स करंट से प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा नो लोड पर यह ऑटो कट ऑफ हो जाता है, जिससे कि बैटरी हमारी जो है वह सेव होती है। ठीक है, इसके अलावा यदि मिस वायरिंग होती है, या जैसे कि आप इसमें रिवर्स पोलरिटी कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आप यदि गलत लगा देते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ प्रोटेक्शन दी होती है। उस प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्रांजिएंट प्रोटेक्शन है, फिर ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन है, ज़्यादा चार्ज नहीं होगा जिससे कि बैटरी हमारी सेफ रहेगी, डीप डिस्चार्ज नहीं होगा जिससे कि बैटरी दो को ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ज़्यादा लाइफ उसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें ओवरलोड, ऑटो शटडाउन एंड रीस्टार्ट का फीचर भी आपको मिल जाता है। फिर यदि बैटरी वोल्टेज सेटिंग की बात करें, तो इसमें आपको हाई वोल्टेज कट ऑफ जो है 14.6 वोल्ट दिया जाता है। जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 14.6 वोल्ट होता है तो यह बैटरी को फर्दर चार्ज करने से रोक लेता है, जिसके कारण कि जो बैटरी है वह ओवर चार्जिंग नहीं होती है। फिर यदि लो वोल्टेज की बात की जाए, तो जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 9.9 वोल्ट होगा वैसे ही यह बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देगा और बैटरी की जो डीप डिस्चार्जिंग है वह नहीं होगी और बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। इसके अलावा लोड रिकनेक्ट, जब बैटरी चार्जिंग होना स्टार्ट होती है और बैटरी का वोल्टेज 12.8 वोल्ट आ जाता है, उसके बाद ही ये दोबारा लोड को ऑन करता है। दोस्तों देखिए, अब हम आपको इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन करके बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हम चूँकि 7Ah की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, तो 7Ah की बैटरी से 7Ah की बैटरी को अच्छी तरह से चार्ज करने के लिए हमें कम से कम इसमें डबल वाटेज रेटिंग का, ठीक है, जैसे 7 का डबल होता है 14, तो कम से कम 14 वाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, तभी ये बैटरी को प्रॉपरली चार्ज कर पाएगा। तो चूँकि 14 वाटेज में कोई भी सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको 20 वाट का सोलर पैनल लगा कर बता रहे हैं। तो ये आप देखेंगे, ये लूम सोलर का पैनल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लूम सोलर की ब्रांडिंग वगैरह नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अब हम इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये इसका जो मैक्सिमम पावर है सोलर पैनल का, यह 20 वाटेज मैक्सिमम इसका आउटपुट पावर है। इसके अलावा अगर मैक्सिमम पावर वोल्टेज आप देखेंगे, तो ये 19 वोल्ट आपको मिलेगा, यानी कि जब इससे आपको मैक्सिमम पावर मिलता है उस समय वोल्टेज 19 वोल्ट के आसपास होता है। फिर इसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग आप देखें, तो 1.1 एम्पीयर हमको यहाँ पर इससे मैक्सिमम करंट मिल जाती है, और शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर 1.17 एम्पीयर आपको मिल पाती है। इसका यदि आप ओपन सर्किट वोल्टेज लेंगे, मेज़र करेंगे, तो इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज जिसे हम VOC भी कहते हैं, वह 23.56 वोल्टेज आएगा, जबकि मैक्सिमम मतलब जो डे है वह बिल्कुल पूरी तरह से सनी डे है। तो यह तो हो गई इस पैनल की बात। तो चलिए अब हम आपको इसका VOC जो है वो मेज़र करके बताते हैं। तो इसका VOC टेस्ट करने के लिए आप इसे प्रॉपरली एंगल में रखें, जो सोलर है, सोलर की रेज जो है वो डायरेक्ट इसमें परपेंडिकुलर पैनल पर होना चाहिए। इसके बाद हम इसको वोल्टमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेटिंग में, और इसका ओपन सर्किट वोल्टेज आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर हमें 21.9 वोल्ट जो है वह VOC मिल रहा है, मतलब इसका जो आउटपुट वोल्टेज है अभी ओपन सर्किट वोल्टेज हमें 21.8 वोल्ट मिल रहा है। अब हम इससे आपको बैटरी को चार्ज करके बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको ये जो लूम सोलर का चार्ज कंट्रोलर है इसके कनेक्शन करके बता देते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको क्रम का ध्यान रखना है, यानी कि जिस क्रम में हम बता रहे हैं उसी क्रम में आपको
विभिन्न लोड बैटरी और सोलर पैनल का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें बैटरी के कनेक्शन करना होते हैं, और बैटरी के कनेक्शन करते समय या किसी भी डिवाइस के कनेक्शन करते समय सबसे पहले आपको, यदि आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल के कनेक्शन करना है, और यदि आप कनेक्शन को निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप इस पूरे सिस्टम को डिसेंबल कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव टर्मिनल को पहले निकालना होगा। उदाहरण के तौर पर अब यहाँ पर मैं आपको बैटरी लगा करके बताता हूँ। तो चूंकि हम कनेक्शन को यहाँ पर बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाना होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल लगाने के बाद आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाना होगा। इसमें आप लोग देखें कि आपको पीसीबी में ही यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है कि कौन सा टर्मिनल कहाँ कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको सबसे लेफ्ट मोस्ट जो टर्मिनल होता है वह सोलर पैनल के लिए होते हैं, उसके बाद बैटरी के कनेक्शन होते हैं, और उसके बाद लोड के कनेक्शन होते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करना होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को लगा देते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसमें यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं, और आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करते हैं, तो एक बार कुछ सेकंड्स के लिए दोनों LED यहाँ पर ऑन होते हैं और उसके बाद ऑफ हो जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन प्रॉपरली किए गए हैं। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि जैसे हमने कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन किया है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे, और आखिरी में लोड का कनेक्शन करेंगे। इसी तरह से यदि आप इसे डिसेंबल कर रहे हैं, इसे आप लोग पूरे सिस्टम को फिर से अगर निकाल रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि जिस क्रम में हमने कनेक्शन किए थे उसके जस्ट रिवर्स क्रम में हम यहाँ पर डिवाइसेस को जो है ओपन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इसमें से सबसे पहले लोड निकाल लेते हैं, लोड के बाद सोलर पैनल को निकालते हैं, और सोलर पैनल के बाद फिर सबसे लास्ट में बैटरी को निकालते हैं। अब देखिए, ये वाला जो लूम सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसे लिथियम आयन बैटरी चार्ज कंट्रोलर के नाम से मार्केटिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इससे हमें लीड एसिड बैटरी को भी चार्ज किया है, और उसे पूरी तरह से चार्ज करके हमने देखा है। इसके अलावा हमने चार्ज करने से पहले कंपनी से भी बात की थी। तो इस तरह से जब हमने पूरी इंक्वायरी कर ली, और इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला कि यदि आप इसे लेड एसिड बैटरी को भी चार्ज करते हैं, तो वह पूर्ण रूप से चार्ज तो होती ही है, साथ ही साथ ये वारंटी आपकी इसकी मेंटेन रहेगी। तो इससे आप लीड एसिड बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरी, दोनों ही प्रकार के बैटरी को इससे आप चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन पूर्ण करने के बाद अब सोलर पैनल के कनेक्शन कर लेते हैं। तो सोलर पैनल के कनेक्शन करने के लिए भी सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर जो सोलर पैनल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वह पॉजिटिव टर्मिनल के हम लोग कनेक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट इसके यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन कर देते हैं, जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल के नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही हमने सोलर पैनल का नेगेटिव टर्मिनल इसके स्लॉट में कनेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पर जो चार्जिंग वाली येलो कलर्ड LED है वह कंटिन्यू ग्लो करने लगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर सोलर पैनल द्वारा बैटरी को लगातार चार्ज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि यदि जो वेदर है वह क्लाउडी है, आसमान में यदि बादल हैं, तो यह LED जो है वह लगातार आपको चार्जिंग का संकेत नहीं देगा, बल्कि इससे आपको रुक रुक करके चार्जिंग का संकेत मिलेगा, यानी कि कुछ देर LED ग्लो करेगा और उसके बाद कुछ देर के लिए वह ऑफ हो जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पर सोलर पैनल के कनेक्शन कर लिए हैं, बैटरी के कनेक्शन भी हो चुके हैं। अब कुछ लोगों को डाउट रहता है कि चूंकि ये लूम सोलर का जो चार्ज कंट्रोलर है, ये लिथियम आयन बैटरी चार्ज कंट्रोलर के नाम से मार्केटिंग किया जा रहा है, तो इसमें लीड एसिड बैटरी चार्ज होगी कि नहीं, यह आप कैसे चेक करें। तो देखिए, ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है। अब इसे आपको यदि पता लगाना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो बैटरी के टर्मिनल है उसके पैरेलल में आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसका वोल्टेज मेजर करें, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर 13.3 वोल्टेज यहाँ पर आपको आउटपुट में मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लीड एसिड बैटरी होती है, उन बैटरी को 12 वोल्ट की रेटिंग में बनाया जाता है। ये 12 वोल्ट की लीड एसिड बैटरी है। यदि इसमें बाहर से कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा होता, सोलर पैनल द्वारा इसे चार्ज नहीं किया जा रहा होता, तो यहाँ पर हमें केवल 12 वोल्ट ही मिलते। लेकिन इसके आउटपुट में हमें 13.3 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो है बैटरी इस
चार्ज कंट्रोलर द्वारा चार्ज की जा रही है। अब एक और कंफर्मेशन करने के लिए, डबल चेक करने के लिए आप उसका करंट भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं कनेक्ट है। और यदि मान लीजिए बैटरी को 13.3 वोल्ट मिल रहे हैं और इससे यदि करंट ली जा रही है, तो इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो अब चलिए हम यहाँ पर आपको करेंट इसकी मेज़र करके बताते हैं। तो आप लोग देखें, अभी यहाँ पर हमने पूरे कनेक्शन कर लिए दोबारा से और बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर चार्जिंग भी बताया जा रहा है चार्ज कंट्रोलर द्वारा, और मल्टीमीटर में जो करेंट रेटिंग है वह 0.8 बताई जा रही है, यानी कि यह जो बैटरी है अब 0.89 एम्पियर करेंट के थ्रू चार्ज हो रही है। तो चूँकि अब ये बैटरी जो है सिस्टम से करेंट ले रही है, इसका जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज वह इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज था 12 उससे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यह बैटरी जो है लगातार हमारी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर यदि आपकी डिस्चार्ज बैटरी है तो आप उसे निकाल करके और उसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है थोड़ी देर बाद चेक भी कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद वह बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप फुली जो है सेटिस्फाई हो सकते हैं कि बैटरी जो है वह चार्ज कंट्रोलर द्वारा चार्ज की जा रही है नहीं की जा रही है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें लोड कनेक्ट करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक 30 वाट का जो डीसी एलईडी लाइट है, ये एक हेलोजन है एक प्रकार का, आप देख सकते हैं। तो ये जो हेलोजन है 30 वाट का डीसी, इससे हम कनेक्ट करके बताते हैं। इसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट डीसी पर ये ऑपरेट होता है। तो चलिए हम इसे कनेक्शन करके बताएंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि इससे आप कितने रेटिंग तक का सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो 250 वाट तक का आप इसमें सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी आप इसमें मैक्सिमम, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम में उतने ही एज की बैटरी लगा सकते हैं जितनी प्रॉपरली चार्ज हो, तो यहाँ पर चूँकि हमारा 250 वाट का सोलर पैनल है तो प्रॉपरली बैटरी को चार्ज होने के लिए बैटरी से हाफ रेटिंग की, यानी कि 125 एज की बैटरी ही यहाँ पर आप प्रॉपरली इसे चार्ज कर सकेंगे। और लोड की यदि बात की जाए तो इसमें आप मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का लोड ले सकते हैं। इसमें किसी भी उस लोड को ऑपरेट किया जा सकता है जिसकी मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर हो। यहाँ पर आप 12 वोल्ट का सिस्टम भी बना सकते हैं और 24 वोल्ट का सिस्टम भी बना सकते हैं। तो इस चार्ज कंट्रोलर में आप डीसी एलईडी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, इसके अलावा फैन और जो भी आप 12 वोल्ट के सिस्टम यदि आपने बनाया है तो 12 वोल्ट की आप लोड इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, या 24 वोल्ट का यदि आपने सिस्टम बनाया है तो आप 24 वोल्ट की जो जितने भी सिस्टम आते हैं जैसे कि एलईडी लाइट्स, फैंस, ट्यूब लाइट्स, वो सभी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आपको लोड कनेक्ट करके बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें लोड को कनेक्ट करना भी काफ़ी आसान है। जिस तरह से हमने पैनल और बैटरी को कनेक्ट करने के लिए पहले पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोड का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको मार्किंग भी दिख रही होगी पीसीबी में, यहाँ पर लोड की मार्किंग की हुई है। तो यहाँ पर प्लस साइन बना हुआ है, उस टर्मिनल पर हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं और स्क्रूज को टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देख रहे होंगे कि आपको जो ये जो हेलोजन लाइट है, हेलोजन लाइट आपको ऑन नज़र आ रहा होगा। इसमें बैक साइड में हमने इसलिए रखा क्योंकि कैमरे को हाई इंटेंसिटी लाइट पर फोकस नहीं किया जा सकता। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो ये हेलोजन है यह ऑन हो चुका है। अब दोस्तों इस सिस्टम में यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, डस्क एंड डान का फीचर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर डस्क एंड डान फीचर को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें आप लोग, इसके पीछे एक कनेक्टर दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 पिन होती हैं। यदि आप मान लीजिए डस्क एंड डान फीचर को डिसेबल रखना चाहते हैं, बंद रखना चाहते हैं, तो आप इस जो कनेक्टर है इसको नीचे वाली पोजीशन पर पुश करके रख देंगे इस तरह से। तो ये अभी जो है डस्क एंड डान फीचर डिसेबल है, यानी कि लोड को ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर एक बीच में डीसी स्विच लगाना पड़ेगा। जो लोड में जो टर्मिनल जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर एक डीसी स्विच लगा देंगे और आप इसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर डस्क एंड डान फीचर इनेबल हो जाए, यानी कि आपका लोड दिन और रात के हिसाब से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहे, दिन में अपने आप लोड ऑफ हो जाए और रात में अपने आप ऑन हो जाए, तो इसके लिए आपको ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को इसे निकाल लेना है और इसे ऊपर वाले जो दो पिन हैं, इन ऊपर वाले दो पिनों को शॉर्ट कर देने के लिए इसे आपको ऊपर की तरफ लगा देना है। तो आप लोग देखेंगे कि अभी चूँकि दिन का समय है,
सोलर पैनल से बैटरी को लगातार चार्ज किया जा रहा है। इसीलिए देखें आप लोग कि ये जो दिन के समय पे लोड को इसने ऑटोमेटिकली चार्ज कंट्रोलर ने बंद कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको जो सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, तो सेफ्टी फीचर्स में जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आपको रिवर्स कनेक्शन वाला सेफ्टी फीचर भी दिया गया है, यानी कि यदि आप इन टर्मिनल्स को बैटरी के या सोलर पैनल के, इन किसी भी टर्मिनल्स को यदि आप गलत कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि सोलर वाला पॉजिटिव नेगेटिव की जगह और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह कनेक्ट कर देते हैं, तब भी यहाँ पर आपको रिवर्स कनेक्शन का इंडिकेशन मिल जाता है, और रिवर्स कनेक्शन के लिए यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन LED जो है वह ग्लो करने लगता है। इसी तरह से यदि आप बैटरी के टर्मिनल जो है वह इंटरचेंज कर देंगे, गलत कनेक्ट कर देंगे, जैसे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देंगे, तब भी यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन LED ऑन हो जाएगा, और इस कंडीशन में आपको कनेक्शन को दोबारा से सही कर लेना है। अब आपको मैं यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वो इंडिकेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोलर पैनल के कनेक्शन ऑन कर जो है वह निकाल लेते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर जो LED है वह ग्लो करने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों, यदि आप एक बार टच करके देख लें, और यदि आपको इस तरह से ये रेड LED ग्लो करता है, तो इसका मतलब है कि आपने कनेक्शन जो है वह रिवर्स कर दिए या उल्टे कर दिए हैं। बैटरी के कनेक्शन भी आप रिवर्स करके एक बार देख सकते हैं कि आपको रिवर्स कनेक्शन LED जो है इंडिकेशन करता है या नहीं। तो चलिए अब हम इसे भी एक बार कनेक्शन करके देख लेते हैं रिवर्स में। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पर भी LED जो है वह ग्लो करने लगता है। तो इस तरह से इसमें रिवर्स कनेक्शन के लिए भी यहाँ पर आपको LED प्रोवाइड किया जाता है, जो बताता है कि आपने इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो कनेक्शन है सोलर के या बैटरी के, वह रिवर्स कंडीशन में कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को परचेस करने के लिए या इससे संबंधित जो भी सिस्टम में मैंने यहाँ पर आपको पैनल, सोलर पैनल, बैटरी या जो लोड हैं, जितने भी लोड इसमें लग सकते हैं, उन सब के लिए मैंने आपको वीडियो भी पहले से बनाया हुआ है। और यदि आप उसे परचेस करना चाहते हैं, तो उस परचेस करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखते रहने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें।